हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6, तो मैं जग गई हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा जो रूटीन वर्क है वो किचन का काम ही है। तो आज जो मौसम है बहुत ही अच्छा किए हुए है, और सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा यहाँ पे धूप निकल गई है। और आज का मौसम लग रहा है कि बिल्कुल साफ होगा, थोड़ा भी बारिश नहीं होगी। तो चलिए दिखाते हैं, और सूर्य भगवान से आप लोग को दर्शन भी करवाती हूँ। तो ये रहा, देखिए हमारे सूर्य भगवान। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कितना हरे भरे पेड़ पत्ते दिख रहे हैं। और मैं जब जगती हूँ और जब तक गार्डन में नहीं आती हूँ, मुझे कोई काम में मन ही नहीं लगता है। तो अब चलते हैं समय न गवाते हुए किचन में, और देखते हैं क्या बनाना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का समय है, 6 बज रही है, और मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, तो आज बनाना है झिंगनी का सब्जी। तो ये रहा झिंगनी, देखने में इसी तरीके का होता है, और इसे कहीं कहीं पे तोड़ई कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे आसपास में हर जगह पे इसे झिंगनी बोला जाता है। तो चलिए बनाते हैं झिंगनी की सब्जी, बिल्कुल कम तेल मसाले वाली। तो इसका सब्जी बनाने के लिए मैं सबसे पहले झिंगनी को धो ली हूँ अच्छी तरह से, और इसके बाद मैं सब्जी छीलने वाला से छील रही हूँ। तो इसका जो छिलका होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और मोटा भी होता है। अगर इसको सब्जी में छोड़ देते हैं तो खाने में ये नहीं है कि इसका टेस्ट खराब लगता है, लेकिन मोटा मोटा उतना अच्छा खाने में नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं सारे झिंगनी को छील लूँगी। और जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग के खेत में ये मक्की के साथ ये झिंगनी का पेड़ साथ में रुपाई होता था। तो मक्की का पेड़ बड़ा हो जाता था और झिंगनी उसी पे चढ़कर फटता था। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से सारे झिंगनी को छील ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा इसका छिलका हुआ है। तो मैं सारे झिंगनी को छील ली हूँ और इसका छिलका फेंक दे रही हूँ। तो छीलने के बाद भी मैं एक बार अच्छी तरह से और धो ले रही हूँ। तो चलिए अब इसको काटते हैं। तो इसका सब्जी दो तरीके से मैं काटती हूँ, ऐसे एक सीधा ही लंबा लंबा काटती हूँ, और एक देखिए जैसे अब भी मैं काट रही हूँ उसी तरीके से। लेकिन ज़्यादातर मैं इसका सब्जी लंबा काट कर ही बनाती हूँ। तो ऐसे अभी बस आप लोग को दिखाने के लिए एक इस तरीके से मैं काट कर दिखा रही हूँ। बाद बाकी सब्जी को मैं पूरा लंबे ही काटूँगी। तो जब आप लोग को भी बनाना हो तो आप दोनों तरीके में से कोई तरीके से काट सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे सब्जी को काट ले रही हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सारे सब्जियों को काट ली हूँ, और इसके बाद मैं प्याज काट रही हूँ। तो इस सब्जी में ज़्यादा कोई मसाला मैं नहीं डालती हूँ, और यहाँ पे मैं दो प्याज काट ली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं मिट्टी वाले चूल्हे पे खाना बनाने वाली हूँ। तो ये चूल्हा जो है हमारा, हमारे यहाँ इसको लिट्टी बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन फिलहाल मैं इस पर खाना बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं चूल्हे में आग जला ली हूँ, और कढ़ाई भी मेरा गर्म हो गया है। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल जब मेरा गर्म हो गया है,
फिर मैं यहाँ पे डाली हूँ पंचफोरन। और जब पंचफोरन चटक गया है फिर मैं 3-4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। और हरी मिर्ची डालने के जस्ट बाद में यहाँ पे जो प्याज काटी थी उसको डाल दी हूँ। और प्याज मेरा कुछ थोड़ा सा भुन गया है तो यहाँ मैं डाली हूँ लहसुन का पेस्ट और हल्दी, और कोई भी मैं एक्स्ट्रा मसाला यहाँ पे नहीं रखी हूँ। और जब ये दोनों भुन गया है फिर मैं डाल दी हूँ जो झिंगनी का सब्जी काटी थी वो। और यहाँ पे आँच को मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। और थोड़ी थोड़ी देर पे ढक ढक कर मैं ढक दे रही हूँ। और थोड़ी देर पर मैं ढक्कन हटाकर चला दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी छूटा है। तो अब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ नमक। तो मैं नमक थोड़ी देर के बाद ही डाली हूँ ताकि शुरू में सब्जी जो होता है ज़्यादा रहता है और कुछ देर आँच लगने पे होता है कि सब्जी गल जाता है। तो शुरुआत में नमक डालने से होता है कि सब्जी का नमक का अंदाज़ उतना नहीं मिल पाता है और नमक ज़्यादा हो जाता है। तो अब सब्जी होने ही वाली है तो इसी तरीके से मैश करते हुए इसको चला लेना है ताकि हमारी जो सब्जी है अच्छे तरीके से मिल जाए। तो दोस्तों ये जो सब्जी है ये कम से कम तेल मसाले में बन जाती है और खाने में भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और कम तेल मसाले हमारे हेल्थ के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि अच्छा होता है। तो ये सब्जी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मेरी सब्जी होने ही वाली है तो इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ रोटी। दोस्तों तो यहाँ पे सब्जी हो गई है और मैं इसे चूल्हे से नीचे रख दी हूँ उतार कर। और देखिए हमारे चूल्हे में कितने अच्छी तरह से आग जल रही है। तो ये जो चूल्हा है हम लोग मार्केट में ऐसा चूल्हा देखे थे, तो ऐसे चूल्हे पे मैं देखी थी मार्केट में बहुत अच्छा लिट्टी बनता था जो आग पे सेका जाता है वो, और वो जलता भी नहीं था और धुआं ये सब भी थोड़ा भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी इस चूल्हे को लिट्टी बनाने के लिए बनाया गया था। और हमारे यहाँ सबको लिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पे खाने बना रही हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं जो इसमें आग जल रही है उसमें थोड़ी भी धुआं नहीं हो रही है और बहुत अच्छी तरह से आसानी से खाना भी बन रही है। तो यहाँ पे अब सब्जी बन गई है और मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और रोटी भी मैं जिस तरीके से गैस चूल्हे पे बनाती हूँ और इंडक्शन ये सब पे बनता है उससे काफ़ी अच्छा इस पे रोटी भी बन रहा है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोटियों को बना ले रही हूँ। फिर मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे आज साबूदाना। और आज हमारे यहाँ पे चावल नहीं है बनने वाला क्योंकि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनता है। तो अब रोटी हो गई है और मैं बनाने लगी हूँ साबूदाना। तो मैं पहले सारे दूध को गर्म कर ले रही हूँ और फिर मुझे जितना ज़रूरत होगा उतना मैं साबूदाने में डालने वाली हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी झिंगनी की सब्जी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूध भी गर्म हो गई थी तो मुझे जितना ज़रूरत था उतना मैं यहाँ पे साबूदाने डाल दी हूँ। इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पे आँच को बिल्कुल कम कर दी हूँ ताकि धीमे धीमे होती रहेगी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए।
क्योंकि वहाँ बैठने से कोई कुछ था नहीं, ज़्यादा चलाना भी नहीं था, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे साबुदाना को भी चला दूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे हमने सारे बर्तन को धो लिया है। और देखिए यहाँ पे साबुदाना भी हुई नहीं है, थोड़ी सी टाइम इसमें लगने वाली है। दोस्तों तो अब मैं सारा खाना बना ली हूँ। तो यहाँ मैं छोले का सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ, ये है दाल, और साबुदाना भी बन रही है। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट करूंगी और उसके बाद नहाऊंगी, खाना खाऊंगी। तो यहीं पे मैं करूंगी अपने ब्लॉग का एंड। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।